उठा लो और वो एकदम आराम से बस अपने सिंहासन हो या जो भी हो उसका बैठा हुआ मस्त एकदम जगह पे सो रहा है। उसके आस पास कितने और सब बालू वो भी सो रहे, जस्ट लाइक वो राजा जैसा सो रहे हैं और वो खुद भी सो रहे हैं और सबको बोला तुम लोग भी सो जाओ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नन्हे सम्राट से जो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो है देख ही सकते हैं फोटो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं और ये है नन्हे सम्राट जो वहाँ मेंशन किया हुआ था हाथी। तो देख सकते हैं पानी अंदर वो एकदम मस्त वाला नहाएगा शायद से लग रहा है और उधर के पीछे बच्चा भी है उसका जो ट्रेनर है वो उसको बुला के ला रहा है शायद देख सकते हैं। तो कितना सही दिख रहा है। बट बहुत ज़्यादा डेंजर है, इसका नाम साहिल है। अगर ये गुस्सा हो गया तो ये इसके पीछे जो भी ये नुकीला सा है वो फेंकने लगता है और वो गड़ जाएगा तो वो निकलेगा भी नहीं। तो ये इतना ज़्यादा डेंजर, भले दिखता छोटा है पर काफ़ी डेंजर है। तो देख सकते कितना सारा है और गुस्से से घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग सकते हैं शेरनी बैठी हुई है और शायद वो अंकल उसको खाना देने वाले हैं तो वो अपना खाना का वेट कर रही है। तो देखो अच्छा शायद वो खाना दे दिए हैं, अब वो खाना नहीं खाना वो देखेगी शेरनी। और खाने का टाइम हो चुका था, ये खाना देके जा रहे हैं अभी। इधर से अपना मुंह दिखा रही है और इधर से सारा शेड बना हुआ है बैठने के लिए और ये है रोज गार्डन टाइप, पूरा रोज 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 कितना सुंदर सा दिख रहा है। तो रोज गार्डन है ये मस्त वाला और ये एक मैं पिक्चर दिखाऊंगी। अरे और ये है हाथी जो घास से बना हुआ है पूरा। पूरा घास से बना हुआ है सुंदर सा और हाथी का बच्चा सब शेड बना हुआ है। लोग यहाँ आए आराम से बैठे एंजॉय करें और इसलिए इतना सुंदर सुंदर सा लकड़ी का कुछ कटिंग का शेप है, कहीं फिश का है और आगे में कैंटीन है। यहाँ पे घूमते घूमते लोग थक जाए तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, तो यहाँ पे खा पी सकते हैं और झाड़ू लग रही है। तो ये है कैंटीन और है ये यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। है बोटिंग एरिया जो मुझे लगता है कोविड की वजह से अभी बंद चल रहा है और क्योंकि अभी कोविड है अभी कुछ ही टाइम हुए हैं इनको खुले हुए। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं और बारिश भी हुई है बहुत तो की वजह से भी हो सकता है बट मुझे ज़्यादा चांसेस है कि कोविड की वजह से अभी उतना ज़्यादा नहीं खुला है तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये एरिया बोटिंग का एरिया है, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं।
जाली की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से दिखाने का, तो देख सकते हैं। सांबर, बाकी आप इडली चटनी के बारे में सोचिएगा डोसा, ये इसका नाम ही है सांबर जानवर का। बाकी अगर ज़्यादा मन कर रहा हो तो इडली सांबर आप इडली चटनी ला सकते हैं, यहाँ पे सांबर का मज़ा यहाँ देख के ले सकते हैं। ये रहा सांबर जो बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ पे जाली लगा हुआ था इसलिए क्लियर नहीं आ रहा था, और यहाँ पे एकदम पास से सांबर सिंह भी कितना अच्छा दिख रहा है और कितना क्लोज है। और पर पर्सन 10 रुपये लगता है।